आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। नहीं हाजी साहब, ये करो, कार्रवाई कर लिया जी। अब उनको बहुत बिजी शेड्यूल है। नहीं प्लीज भाई साहब बोलो ना को सर। सर आप जा रहा था मुझे मालूम। जब हमारी आबादी बढ़े तो जरूरत हम बैंकिंग जरूरत हम ज्यादा पड़े थे, उससे हमें माइनॉरिटीज के नाम से एक सोसाइटी खोलेंगे। 1998 में हमें इसकी शुरुआत की। इसमें जो है पूरा शहर के पुराने बुजुर्ग जैसा कि प्रोफेसर नूर अहमद साहब, प्रोफेसर मिर्जा हबीबुर रहमान साहब, प्रोफेसर शबीर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, ताज हुकुम खान साहब, इस्मत बादशाह भी मुख्तार अहमद साहब गुजरी के शकी अहमद साहिद शकी साहब सेक्रेटरी है, सैद अकबाल अहमद अकबाल पाशा साहब मैं भी था उसमें, आरोग के दास क्रिश्चन कम्युनिटी से आरोग के दास भी है, लेडीज में सैद का सैद उसा डिस्ट्रिक्ट जज होकर लेडीज उन्होंने ही, और जेंट्स में एम प्रकाश मेयर थे उनके बीच एम जिनेश 15 डायरेक्ट प्लान के आगा साहब और ये फतूर रहमान साहब, ये तीनों में सब न्यू सैद मुश्ताक़ अहमद साहब ये चीफ इंजीनियर थे पी डब्ल्यू डी के, उसे पंद्रह में अभी न्यू को हमें अब हमें 2,40,005,000 किलर से हमें हमारी शुरू में हमें शेयर आए पड़े, अब जो ये हमें तकरीबन 50 को 4 लाख रुपए के हमारे शेयर कैपिटल है, और तकरीबन 40 को 2 करोड़ रुपए हमारा टर्न ओवर है, 10 करोड़ रुपये का हमारा वर्किंग कैपिटल है। फिलहाल अब ये कोरोना आने में ज़रा बहुत तकलीफ भी होगी, बहुत दिन विड्रॉ करवा ले पैसे बहुत से विड्रॉ करें, परेशानी का आलम था, अल्लाह ताला बचाए और दिन जो नहीं शेयर हम सुबह, और हमें शेयर बहुत कम 500 रुपये शेयर रखे, पहले 100 रुपये रखे थे, 100 बहुत ही मीगर ये होता है, 500 रुपये 10% गले का दिया, 4-5 साल तक 10% बढ़ता है, अब 10% को हमें डिविडेंड दे लेता है कभी का ये नहीं है, और साथ में हमें हमारा मेन क्या है इंटरेस्ट कमाना नहीं हमारा फर्स्ट ये नहीं है हमारे, यहाँ तक के इंटरेस्ट नहीं सोच चला देने के लिए सूचे हैं मेरी सर्विस अच्छा इदारा चलाना हमारे है ना जितने भी है ना लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं है ना पैसा देना किराया देना बहुत पूरे तो वही वो इसको हमें कॉपरेटिव एक्ट के तहत हमें चला रहे तहत चल रही सर ना, और हमें सिंपल ये कर सब छात्र कर सिंपल सब जगह काम पर नहीं है सब प्रॉपर्टी बात हमें मेरा क्या है ना वो मेरी एक ख्वाहिश जमाने से भी ये है कि एथलेटिक एबिलिटी डिपार्टमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं ये है ना रियासत के जितने भी हमारे माइनॉरिटी का एथलेटिक कॉम्पिटिव सोसाइटीज हैं इन्हों ले को चल रहा है। अब जैसे हमारे में मुस्लिम कॉम्पिटिव बैंक माइनॉरिटी यूनाइटेड माइनॉरिटी क्रेडिट का बैंक है, अब दावणगिरी में मिलत है, अब तो बेलगाम में है, तो इससे क्या होता है कि ना आज जब बैंक वाले मुसलमान का नाम देखते हैं ना लोन देता है देखा ये चीज़ हमको क्या करना है, दूसरा तुम्हारे नए स्किल्स लाना और नए स्किल्स कैसे लाना, एक ज़कात फंड देने वाला उनका ज़कात है ना खुशी से लेने तो ज़कात के पैसे सीड अमाउंट डाल दो तो मैं लोन देखो उसके ना कारोबार के औसत कैटेगरी क्रेडिट ऐसा कैटेगरी कर सकते क्या देखना नहीं मान तो कानून को छोड़ दो तुम्हें नहीं चल सकते क्या कानून को तुम्हें है ना तुम्हारे हिसाब से है ना मोड़ नहीं सकते लेकिन मिल्लत के वास्ते है ना क्या कर सकते
अब इसके तहत हमें सहूलत भी गरीब ने आपको पहुँचाएगा हमें ये क्या करते बीच में तकरीबन पाँच सात आठ साल के पहले गैस के फ्री स्टोव देते थे गैस कनेक्शन उस वक्त पूरे इन्हों से भी ज़्यादा मनमानी दिल को इतना पैसे लेते थे तीन तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार जब हमें इससे भी बैठ कर चार करें गरीब आदमी आपको पंप नैलम चार पाँच हज़ार रुपये ले लेते ना आपको हमारे शरीफ हमारे सरदार साहब के बेटे गैस का ऐसे ना फोटो हमें कर के चार करें ₹2,300 हमको हमें फिक्स करें उनको पाँच हज़ार के बजे में उसमें भी खाली ₹500 हमने बंदा ना सौ एक हज़ार 800 लोन वो भी क्या रोज को ₹15 किरोसिन तेल उस वक्त ₹15 था तो बस्ता ना अब गैस को देने के बाद ₹15 तुम्हें किडनी बना लो के हमारे पास 12 है प्राण अलग तरह से जिसका है तजारती माहौल हमारे में है ना बेहतर होते जा रहा है और पहले जैसा नहीं कि खाली है ना एक दो रास्ते में है ना तजारती है ना ये आज हर जगह है गली गली में हुआ है खास तरह से क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत देना आमदनी का जरिया हर किसी को एक देश देता है लेकिन खर्च करने के मनसूबे जो है हर किसी का अलग अलग है अब ये खास इसके ऊपर ज़्यादा तोज्जो देना पड़ता है हमारा एक ऑटो ड्राइवर है जो कमाता है अपने ऊपर खर्च करके घर को जाता है और कम क्या करता है कमाया तो घर को ले जाता है तो इससे बरकत ज्यादा तो ये चीज़ों के ऊपर शहर के उलमा के साथ बैठा तुम्हें क्योंकि है ना मुकामी एतबार शहर मुसलमानों के क्या मसाइल थे इसके ऊपर है ना हमारे है ना दीनी उलवा रहे तो तुमने क्या अगर खुदबे और है ना इससे है ना हमें ना मिलत को अदा करने का काम कर लेकिन इस मकसद के पीछे मिलत का जहाँ तुम्हारे में दिल में सोच है इसे और बेहतर करने का मान तुम ख्वाहिश पैदा करे तो है ना लोन देने का तो अब वो कहावत भी है तुम्हारा है ना कर्जा है ना आसानी से मिल गया तो चोरी करने का इज्जत आएगा तुम तो ये चीज़ है मगर है ना जिसे दे सकते हाँ तो आज बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई वाले बार बार है ना सर्कुलर निकाल पहले क्या था रियल एस्टेट को है ना हल्का मुझको लोन देते थे आज का है ये खास घर बनाने का रहा तो तुम्हारा है ना हाउसिंग लोन देते प्रॉपर्टी परचेज करते लोन देने का सब खड़ा हो गया क्या है बैंक के पैसा में इन्होंने ना तजारत करना शुरू कर दिया बड़े लोगों का हमला रखो उनको एक में दस चीज़ें रहती उन्हें गिरवी रखो पैसा ले मगर मामूली आदमी हाँ मान तो तुम्हें वापस आने के वास्ते जरा है ना बहुत सारी दुश्वारियाँ होती मगर पहचान ऐसी रखो कि जिसे जिस तरीके से दे एजुकेशन लोन एजुकेशन लोन आज अलहमदिल्ला में है ना रियासत में ना अरीबू में लाने के बाद हमारे पास लाखों बच्चों को ऐसे इसका फायदा हुआ अब आने वाले दिनों में क्या हो रहा है हुकूमत जैसा ऐसा बदलती है स्कीमा बदलने के तो ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो हो सकता है उनका तुम्हें करो पूरा वजन तुम्हारे ऊपर नहीं है लेकिन हर अब इदारा अपनी जिम्मेदारी समझ कर अगर काम करना शुरू करो तो हमें आज अलहमदिल्ला एक जगह पर तुमना सी एस आर दिया था सोशल रिस्पॉन्सिबल फंड तुम्हें निकालना चाहिए तो निकाले इससे देखो किस तरीके से सी एस आर फंडिंग जो है इस्लामी तरीका वो हमें जो जकात निकालते वो तरीके से तो तुम्हारे इदारे से भी जब तुम्हें निकालते बराबर सोच को है ना क्या कर सकते हमारे अखिलियती तालीमी इदारे जो है मदरसे जो है उनको एक इदारे को अच्छा करने का से क्या कर सकते तुम्हें चिल्लर चिल्लर दिए तो काम भी फंसे तुम्हें ऐसा करना कि ये साल का हमारा पैसा इतना है हमें ना एक इदारे को है ना एक स्कूल को है ना अडॉप्ट करके इसे हमें बेहतर करना तो ऐसा कर ले तो तुम्हारा नाम है ना ताजर तक है ना वो इस इदारे के साथ जुड़ को रहता है
मुफीद है, चाहे खुशी जाहिर करना हर कोई है ना, ये अपना रात को रात दिन को दिन बोलने वाले हमें, लेकिन चांद सितारे को ले लगा जमीन को रात में बोलने वाले बात बहुत ही जीतना अहदे पर बारिश होना ये कई बड़ी बात नहीं है। अगर एक पत्ता भी हिलना तो अल्लाह के ऊपर टूट नहीं आता। मेरी कोशिश से मैं आगा अगर बोलने वाले अगर रहे तो भी जब तक अल्लाह की मदद छानी नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। जब तुम्हें आँख होगी बोल सकती हूँ हमारा हादसा 5 साल का आएगा, कल क्या आएगा तो अपना मालूम नहीं। तो यह वास्ते है ना, जब तक है इदारे के आते में इदारे को है ना ताकतवर बनाना और इसकी रोशनी है ना मिलत तक किस तरीके से पहुँचाना, तो इसके ऊपर अगर है ना कोई प्रोग्राम बनकर अमल करे तो क्या होता है लोग है ना ये बोले वो बोले, बेहतर है फल देने वाले दरख्त कुछ पत्थर पार दीजिए। तो इससे है ना उम्मीद के साथ है ना लोग बात करते हैं, हर किसी को अपनी बात जाहिर करने का हक है। कहाँ तुम्हारे मीटिंग में 4 दीवारी के अंदर चलने के बाद बाहर नहीं आना। दूसरा, गलती जानबूझकर कोई नहीं करता, हो सकता है दोस्ती रिश्तेदारी इसके अवज में ना किसी के लाख को फलाने को कहकर कर्राज करते हो तो तुम जिद करता है। तुम्हारी कोशिश तो मैं करूँगा, मेजॉरिटी जो फैसला लेती है उसको यानी मिलत के असर पूरा लुटा लेती है। सही और गलत का फैसला रखो, जो खोल ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है उसे एक स्कीम में तब्दील करके ले लगा ठीक है। बोल तो तुम्हारा किसी का पैसा इसमें नहीं है, आवाम का पैसा है। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इदारे भी एक पुरुष को चढ़को है ना एकदम गिर गया, तुम्हारे ऊपर ये जो लोगों का पैसा है ये अमानत के साथ खिलवाड़ करोगे। अच्छा सोचो नतीजा अच्छा निकलता, बुरा सोचो उसे बुरी कभी ना बचे। तो ये वास्ते इदारे के नाम को दबा नहीं आना और अखिलियती के नाम को अखिलियत के नाम को है जो है ना इदारा कायम हुआ है काम भी है ना एक डब्बा मिलत के ऊपर नहीं आना। तकलीफा बहुत आती है, ये पार करे तो पुरस्कार का रास्ता भी आसान होता है। तो ये समझ को है ना, और सदर सेक्रेटरी तुम्हारे ऊपर एक रिलीज देता हूँ तो चैलेंज तुम्हारे पास नहीं सकता। हर चीज हर किसी को मालूम कराने का एक सिलसिला कायम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में व्हाट्सएप है, तो इससे क्या है उनको मालूम करो, मशवरा करो, मशवरे के साथ तुम्हें आगे बढ़ो। अल्लाह ना तुम्हारे हर जायज बना दो, तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे से तुम्हारे इदारे से मिल्लत के जो अधूरे ख्वाब हैं उसे पूरा करने की ताकत अल्लाह तुम्हारे लिए। आमीन। नाम नाम पुकारो साहब, प्लास्टिक डिपार्टमेंट में
के बारे में और बोलो बोलो और प्लास्टिक पर में है ये अच्छा 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 ये सदर साहब तुम्हें भी है ना साथ में जो जी तुम्हें भी साथ में जो अपना ध्यान आते तुम क्या हो तो जब क्या होता है इधर देखो ये बराबर है मैडम मैडम आओ मैडम आ जाओ सदर सेक्रेटरी के ऊपर जिम्मेदारी है ये